हेलो, मेरा नाम करण है और आज हम बात करेंगे कि कैसे हेल्थ केयर एक्सपोजर को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इस पेंडेमिक के दौरान। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है जो कि फोकस करता है हेल्थ केयर पे, एक ऐसे समय पर जब हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नया नया इंटरेस्ट जाग रहा है लोगों का कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान। द एक्सिस हेल्थ केयर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग है जो कि कवर करेगा ब्रॉडर हेल्थ केयर सेक्टर्स को, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ड्रग मेकर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को ट्रैक या रेप्लिकेट करने के लिए बना है। इसमें 20 ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जुड़ी हुई है इस सेक्टर की, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर है, बाय मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू में 20 सबसे बड़ी कंपनी है वो इससे जुड़ी हुई है। हाउएवर, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, ETF जो है वो एक्सचेंजेस में भी लिस्ट होगा और उससे ट्रेड भी किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। अश्विन पाटनी जो कि हेड प्रोडक्ट्स एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ एक्सिस AMC हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में बहुत सी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, जैसे कि डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल रिसर्च एंड इवन आवर फार्मा फर्म्स, जिनके पास एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में ग्रो करने का। अभी जो डिमांड हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर से इंडिया में इस पेंडेमिक के दौरान, उस बीच ग्रो करने का काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी उन लोगों के पास, ऐसा अश्विन पाटनी ने कहा था। पाटनी ने यह भी कहा कि ये जो कंपनीज है वो एफिशिएंसीज ड्राइव कर सकती है ऐसे सर्विसेज ऑफर करके जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, जैसा कि उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट में करके दिखाया है। उनका कहना है कि द अंडर पेनिट्रेटेड एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफर्स सिग्निफिकेंट रूम फॉर ग्रोथ एट स्केल फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स टू फ्लोरिश। इसका मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया का, उसमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रूम है जो कि ऐसे आदमियों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा ग्रोथ पा सकते हैं। हालांकि तरुण बिरानी जो कि है फाउंडर और डायरेक्टर TBNG कैपिटल एडवाइजर्स के, उन्होंने एक नया ETF खरीदने से मना किया था। उन्होंने ऐसा एडवाइस किया है कि एक नया ETF नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स को लेकर ज्यादा अच्छे रहेंगे जिसका एक 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स जो कि सेक्टोरल एक्सपोजर पाना चाहते हैं वो निपॉन AMC के हेल्थ केयर फंड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है विथ अ 3 ईयर एनुअलाइज ग्रोथ रेट ऑफ 23% एंड डिलीवरिंग 21% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। May 2004 से ही ऐसा हो रहा है जब से ये निप्पॉन AMC बना था। बिरानी ने इन्वेस्टर्स को ये भी सलाह दिया कि वो ग्लोबल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एक आदमी 70% तक डाइवर्सिफाई हो सकता है एक डेवलप्ड मार्केट में और 30% तक एक इमर्जिंग मार्केट में इंडिया के बाहर, ऐसा उन्होंने कहा।